मध्य प्रदेश के भिंड में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि भिंड के भूपेंद्र लहपीटा को पैसे के लेन देन में हुए विवाद को लेकर गोली मारी गई है, जिसमें दो हमलावर शामिल होना बताए गए हैं। हालांकि पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा हमलावर फरार होना बताया जा रहा है। वहीं घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में अधिक जानकारी लेते हैं संवाददाता अविनाश द्विवेदी से। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महावीरगंज एमजीएस के सामने ये गोली चली है। यहाँ पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। आज सुबह मुवादिया हो गया था, हाथापाई भी हुई थी, जिसमें है ना भूपेंद्र जो लोहपीटा है उसके पैसे निकल के आ रहे थे मुकीम खान को, जिसको लेकर आज सुबह हाथापाई हुई थी, जिसके चलते सर अभी गोली चली है। आपको बताना चाहूंगा, अभी भूपेंद्र के पैर में गोली लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर है, जिसको भिंड जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। और मुकीम खान ने ये गोली मारी थी, उसके साथ में एक उसका दोस्त भी था आतिक खान। पुलिस मौके पर तो पहुंची थी, जिससे पहले भूपेंद्र के लोहपीटा के जो साथ के लोग थे उन्होंने है ना मुकीम खान को मौके पर पकड़ लिया था। उसके साथ में एक 315 का कट्टा भी बरामद हुआ है, जिसके बाद है ना मुकीम खान को वहां के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन वहां पे आतिक खान जो मुकीम खान का दोस्त था जिसने गोली चलाई थी, वो मौके से बाइक के साथ फरार हो गया है।